बिग बी, बिग बी अम्मी पूछ रही हैं कि आप तैयार हो गए या नहीं, और आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं अबू से कहूं डॉक्टर को बुलाएं? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। क्या हुआ? तो बताइए फिर, आप रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक? अरे यार, जब मुझे घर आके खाना खाना है तो मैं इतना तैयार होके क्यों जाऊं भाई? मतलब आपको पता है कि ये भी आपको एम्बैरेस ही करेगी, है ना? जाहिर बात है, ये जो सारी खवातीन है ना, ये एक ही रेडी के खरबूजों की तरह है। इनमें से एक का रंग पता चल जाए ना, तो समझो बाकियों का भी वैसा ही है। इसलिए मुझे हीर से वैसी उम्मीद है। वैसे एक बात पूरी बिग बी, शुक्र है खुदा का कि मैं इन सब इश्यूज में नहीं पड़ी। टाइमली मेरी बात पक्की हो गई वो भी रोशन से। काश मेरी भी सितारा से हो जाती। क्या 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 ये अभी क्या बोला आपने? क्या 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 कहा मैंने? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहना है? जो भी बोला है ना, एकदम परफेक्ट बोला है, लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी। ये तो है यार। सितारा जो है ना, वो सबसे अलग है। कैसा इंसान जिसके साथ वक्त गुजारने को जी चाहता हो, उसकी बातों में इतना ठहराव, इतनी गहराई हो कि बस सांस डूब जाए। बस बस बिग बी, इतना इमोशनल ना हो, मुझे भी उससे प्यार हो जाएगा। वैसे आप एक काम क्यों नहीं करते, बात करें ना सितारा से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कह दी और बात अम्मी तक पहुंच गई तो अम्मी तो सितारा का जीना आराम कर देंगे। ऐसे भी बड़ी मुश्किल से अम्मी का रवैया सितारा के साथ ठीक हुआ है। अम्मी ने सितारा को रोका भी मेरी वजह से। तो अम्मी से मैं वादा ना करता हूं तीनों को डेट पे ले जाने का, फिर उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने का, तो सितारा घर छोड़ के जा चुकी होती। ओह माय गॉड, मतलब कि सितारा के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसने मुझे बताया तक नहीं, ये कैसे हो सकता है? और भाई आप, ये जो डेटों वाला चक्कर है ये तो सही है, लेकिन शादी? शादी तो मेरी उसी से होगी जिसे मैंने मांगा है, जो मेरे नसीब में लिखी जा चुकी है।